में वैश्य व्यापार न्यूज, चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खास खबरों के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वैश्य समाज से अपने आवास पर मुलाकात कर कहा कि बिहार में वैश्य एवं व्यापारी समाज पर नहीं होगा अत्याचार व जानलेवा हमला, वैश्य समाज को सरकार हर संभव सहयोग करेगी। यह बात संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश महिला उपाध्यक्ष, महिला विकास सेवा संस्थान के राष्ट्रीय संरक्षिका एवं जयसवाल क्लब के बिहार महिला प्रदेश अध्यक्षा मधुबाला देवी, सदाशिव जयसवाल, शंभु जयसवाल, भूषण जयसवाल ने समाज की समस्याओं को लेकर खगड़िया टीम के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की और समाज की समस्याओं पर चर्चा कर बताया कि तारकिशोर प्रसाद समाज की समस्याओं को समझते हैं और वे हर हाल में हल निकालने के लिए प्रयासरत हैं और सख्त कदम उठाएंगे। वैश्य चेतना एवं उत्तर प्रदेश सदस्य सलाहकार समिति के लखनऊ अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व लोहिया वाहिनी अध्यक्ष विनय गुप्ता, लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव अविनाश गुप्ता एवं अरविंद सहित सैकड़ों साथियों के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और रथ यात्रा के साथ रखो मन में ना कोई शंका 22 में सैंकल का डंका के कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वैश्य शक्ति के अविस्मरणीय प्रतीक वैश्य शिरोमणि अमर शहीद ब्रज बिहारी प्रसाद का 62वीं जयंती समारोह 20 बेली रोड पटना स्थित ब्रज बिहारी प्रसाद स्मृति भवन में राष्ट्रीय वैश्य महासभा द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव पोदार कुमार सुंदरम, प्रदेश महासचिव ललन साहा, मुख्य प्रवक्ता शिव शंकर विक्रांत, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के युवा अध्यक्ष मंजीत आनंद साहू, प्रदेश सचिव पंकज पोदार, प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र शाह, अशोक चौधरी, राकेश जायसवाल, अखिलेश जायसवाल सहित कई गणमान्य वैश्य नेताओं, दिवंगत नेताओं का माल्यार्पण कर नमन किया गया। वाराणसी जनपद से भाजपा नेत्री रानिका जायसवाल को भाजपा उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर वैश्य युवा एकता मंच के सभी गणमान्य नेताओं ने शुभकामना दी। अखिल भारतीय वैश्य महासभा के संगठन जिला उपाध्यक्ष श्रीमती रुचि गर्ग को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर वैश्य सेना के नेताओं ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कृति अग्रवाल को भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर वैश्य सेना व समाज के नेताओं ने हार्दिक एवं शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय वैश्य महासभा गोपालगंज के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जिला के सभी प्रखंडों से आए हुए वैश्य बंधुओं ने हिस्सा लिया। सभी का मुख्य उद्देश्य संगठित होना एवं संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करना था। सभा में दर्जनों साथियों को दायित्व दिया गया। सभा में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष सह राजद नेता मोहन प्रसाद गुप्ता, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव राजेश केशरी, पूर्व चेयरमैन व प्रदेश सचिव रामधर प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, सुरेश जायसवाल, नगर अध्यक्ष अमृतलाल साहा, युवा जिला अध्यक्ष मित्र प्रवीण, नगर पार्षद अमित पीयूष, गोविंद वर्णवाल, राजकरण गुप्ता, अजय भास्कर और राहुल सहित कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कानू कल्याण मोर्चा युवा मोर्चा के जिला प्रभारी रोहतास दिनारा निवासी चंदन कुमार कानू को बीपीएससी एई रैंक 274 के साथ उत्तीर्ण होने पर कानू कल्याण मोर्चा प्रदेश कमेटी से अनुरुद्ध गुप्ता, प्रेम गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, अंकित गुप्ता, राजीव गुप्ता एवं जिला कमेटी से संजीव गुप्ता, अभिमन्यु गुप्ता, सुरेंद्र साहा, डॉक्टर बैद्यनाथ, अरुण साजन, ब्रज बिहारी एवं सभी कानू कल्याण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी और ये भी आशा किया कि कानू समाज का परचम लहराते हुए बिहार सरकार को अपनी सेवा भी देंगे। वैश्य समाज की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।